अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दूसरी रीजी केक बनाना सिखाऊंगी, बर्थडे केक भी कह सकते हैं आप इसको। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कंडेंस मिल्क का टिन ले लिया है। इसको मैंने एक पतीले में पानी भरा है, उसको बॉयल जब आने लग गया तो उसके अंदर मैंने ये टिन डाल दिया है कैन, ठीक है। इसको आपने तकरीबन 4 घंटे बॉयल करना है और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पानी जो है वो ख़त्म ना हो जाए बीच में से। जी तो 4 घंटे हो चुके हैं, अब मैं इसमें से आराम से टिन को निकाल लूँगी। किसी बड़े चम्मच से या किसी भी चीज़ से आराम से निकालेगा, इसको हाथ बिल्कुल नहीं लगाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और आपने इसको फ़ौरन नहीं खोलना है, आपने इसको 4 घंटे देने हैं कम से कम, और फिर उसके बाद आपने इस टिन को खोलना है। अब मैंने यहाँ पे एक लूज़ बॉटम पैन ले लिया है केक के लिए, स्पंज के लिए। इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ ऑयल के साथ, आप बटर के साथ भी कर सकते हैं। अब केक के लिए यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप मैदा था और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर डाल दिया और इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह से। मैदा छना हुआ था, अंडे डालेंगे 4, सिरका डालेंगे 1 टेबलस्पून। सिरका डालने की वजह ये है कि इससे जब आप अंडे बीट करेंगे और इसमें जो एयर बची, एयर जो इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको, बेशक इसमें आप फिर मैदा भी डालें, कोई भी चीज़ डालें, तो आपके जो अंडे हैं वो बैठेंगे नहीं। आप इसकी जगह लेमन भी डाल सकते हैं, मैंने 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है। आप 1 टेबलस्पून लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप क्रीम ऑफ टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि दो चीज़ें घर पर आसानी से अवेलेबल होती हैं, लेमन और विनीगर, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। जी तो देखें हमारे जो अंडे हैं वो फ्लफ़ी हो गए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालूंगी। ऑयल मैंने लिया 3/4 कप। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूंगी और इसको बीट करते जाएंगे। अब इसके अंदर मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी मैंने ली थी 1 कप भर के, आम घर की पीसी हुई चीनी है 1 कप भर के। चीनी को आपने लेके पीस लेना है और पीस के फिर आपने इसको एक दफ़ा छान लेना और छान के फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये आपके घर के आम पीसी हुई चीनी यानी कि कैस्टर शुगर है, ठीक है। ये भी डाल के हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया इसको। इतनी अच्छी तरह से बीट करना है कि चीनी जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून करके मैदा ऐड कर रहे हैं, मैदा और बेकिंग पाउडर का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो। जी तो देखें हमने जो सारा मैदा है वो इसमें ऐड कर दिया है। स्पैचुला की मदद से बॉल को एक दफ़ा साफ़ कर लेते हैं साइडों से। वनीला एसेंस है मेरे पास, वनीला एक्सट्रैक्ट है, असल में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसमें सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स डालूंगी। अगर आप वनीला एसेंस यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप इसमें 1 टीस्पून तक भी ऐड कर सकते हैं। जी तो केक का बैटर जो है हमारा तैयार हो गया, अब हम इसको पैन में डालेंगे। मेरा नॉनस्टिक पैन है इसलिए मैंने इसमें बेस पे कोई मैंने वो बटर पेपर या कुछ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ इसको जो सिंपल ग्रीस किया है। अगर आपका लूज बॉट वो नॉनस्टिक नहीं है तो आप बेशक इसमें नीचे बटर पेपर लगा सकते हैं, और अगर आपको वैसे भी डर है कि ये मतलब चिपक जाएगा नीचे तो फिर भी आप बेशक इसमें नीचे बटर पेपर लगा लें। जी तो केक को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक किया। इसका चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इसमें कोई भी चीज़ डाल के चेक कर लें, कांटा या छुरी, अगर वो साफ़ आई तो मेरा केक तैयार है। जी तो देखें केक हमने निकाल के रख दिया। अब मेरी जो कैन था जिसको हम दूसरी लीची हमने तैयार किया था ये भी हमारा तैयार है। अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। केक का दोबारा से बता देती हूँ, केक को हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक किया 20 से 25 मिनट के लिए। और अगर आप पतीले में कर रहे हैं तो भी आपका यही है कि आपने उसको 20 से 25 मिनट में आपका ये केक जो है वो तैयार हो जाएगा। पतीले में करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जी तो अब हम जो है ना इसे क्रीम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने हैवी क्रीम ली थी 1 कप, इसको मैं अच्छे से व्हिप कर रही हूँ। तकरीबन 8-10 मिनट इसको व्हिप करेंगे। क्रीम को जो व्हिप करने का तरीका है वो मैं आपको पहले भी डिटेल में बता चुकी हूँ सारा, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप जो है वो दूसरी लीची
या आप कंडेंस मिल्क का जो कैरेमल बनाया था आप वो कह रहे हैं, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। मैं इसमें चीनी नहीं डालूंगी, इसकी वजह ये है कि हमने वो कैरेमल डाला है, एक डुलसी लीची डाला है और वो ऑलरेडी बहुत मीठा होता है जी। तो हम केक को काट लेंगे। टू पीस कर लें, इसके दो हिस्से कर लें, तीन हिस्से कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। देखें केक का हमारा कितना सॉफ्ट बना है, इतना खस्ता है कि वो टूट रहा है। केक हमारा जो साइड में टूट गया, लेकिन इसकी टेंशन की बात नहीं क्योंकि फिर हम इसको क्रीम से कवर कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा जी। तो मैंने तीन पीस काट लिए। अब यहाँ पे मैंने पैन ले लें या प्लेट ले लें या कुछ भी लेना है, उसके ऊपर मैंने क्रीम लगाई है थोड़ी सी ताकि जब हम इसके ऊपर केक रखें तो वो हमारा हिले नहीं और स्टिक हो जाए नीचे। इधर देखें मैं इसको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। मैं इसको मॉइस्ट करती हूँ दूध से, क्योंकि जो प्रोफेशनल बेकरीज में जो आप देखते हैं कि केक जो मॉइस्ट करते हैं वो शुगर सिरप नहीं इस्तेमाल करते हैं बल्कि दूध में थोड़ा सा कंडेंस मिल्क मिला के वो यूज़ करते हैं। मैं सिर्फ दूध से इसको मॉइस्ट करी। अब मैं इस पर क्रीम लगा रही हूँ। गर्मी है इसकी वजह से जो हमारी क्रीम है वो थोड़ी सी मेल्ट हो रही है। ऊपर से मैंने ये जो कैरेमल सॉस बनाया डुलसी लीची बनाया था इसको मैंने कर दिया। अब सेकंड पार्ट रखा हमने केक का, इसके ऊपर भी दोबारा हम वही करेंगे, दूध से इसको मॉइस्ट करेंगे और क्रीम लगाएंगे। क्रीम डेरी भी यूज़ कर सकते हैं या फ्रेश जो क्रीम मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखें कैरेमल जो है हमने वो पर इसके ऊपर भी लगा दिया। अब लास्ट पीस जो रखेंगे हम, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो हमेशा ऊपर आता है इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इक्वल मतलब बिल्कुल इक्वल होता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको हम अच्छे से मॉइस्ट करेंगे साइडों से भी। इसको हमने मॉइस्ट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर भी क्रीम लगा रही हूँ। इसको जब मैं पहले थोड़ी सी क्रीम लगा के और इसको हर तरफ से और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसको हम कहते हैं क्रम कोट, यानी कि आपने एक दफ़ा क्रीम लगाई इसमें जो भी केक के क्रम्स होते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं, फिर आप उसको ठंडा करते हैं तो फिर वो जब आप ऊपर से और क्रीम लगाते हैं तो उस पर वो फिनिशिंग टच आता है, मतलब उसमें आपको क्रम्स नहीं नज़र आ रहे होते फिर। तो ये है मैंने क्रम कोट करके और हम इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। जी तो जो तकरीबन मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट रखा है। आप इसको पूरा आधा घंटा दिएगा अगर कम टाइम, मतलब इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से क्रीम लगाऊंगी और क्रीम से अब आपने इसको अच्छी तरह से कवर करना है। यहाँ पे मैंने एक ग्लास में नीम गर्म पानी ले लिया है, ऊपर क्रीम लगाते जाएंगे, नीम गर्म पानी इसको साफ़ करेंगे और नीम गर्म पानी में डिप करेंगे स्पैचुला को और फिर से हम इसको साफ़ करके और फिर यूज़ करेंगे। अगर आप मतलब साफ़ नहीं करेंगे वैसे ही स्पैचुला को यूज़ करेंगे तो वो फिनिशिंग टच नहीं आएगा। ये स्पैचुला नाइफ होती है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और बड़े जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पर भी मिल जाएगी, बेकिंग सेक्शन में या जो आपका कुकिंग मतलब जो आपकी बर्तनों वाला सेक्शन होता है उसमें भी मिल जाएगा आपको। जहाँ पे आपको लगे कि क्रीम कम है वहाँ पे और मज़ीद लगा सकते हैं, इसमें कंजूसी नहीं चलेगी। अब मैंने यहाँ पे एक रूलर ले लिया है, स्केल है, ठीक है, इससे मैं इसको इक्वल कर रही हूँ। स्केल जो है मैंने धो के अच्छी तरह से यूज़ किया हुआ है तो आप लोगों ने ये ना समझिएगा कि मैंने ऐसे, नहीं तो आप विजिटिंग कार्ड जो होता है उससे भी आप इसको इक्वल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँगी केक की तो मैं आपको उससे करना सिखाऊँगी कि आपने विजिटिंग कार्ड से कैसे इसको लेवल कर सकते हैं केक क्रीम को जी। तो देखें हमारा जो केक है वो तकरीबन लेवल हो चुका है।
इसमें पेशेंस चाहिए होता है क्योंकि इसमें टाइम लगता है। जी तो हमारा जो केक है तैयार हो गया। अब मैं हमें इसको तकरीबन घंटा जो है वो इसको आपने फ्रिज में रखना है, या आधा घंटा आपने इसको फ्रीज़र में रखना है ताकि जो क्रीम है वो इस पर अच्छी तरह से सेट हो जाए। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ये कैरेमल सॉस या डूस्टी लीची। लेकिन इससे पहले मैंने यहाँ पर आप देखें कि मैंने एक टू जो है वो काट के रखा है कार्डबोर्ड से, ठीक है। ये आप क्योंकि मेरी बेटी की सेकंड बर्थडे थी तो इस वजह से, या आप मतलब कि आपके बच्चा 4 साल का है तो आप 4 भी काट सकते हैं। ये मैंने खुद ही काटा था। अब इसको दोबारा आपने थोड़ी सी देर के लिए सेट करने के लिए रखना है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब मैं इसके ऊपर इसको हम क्रीम से पाइप करेंगे, ये अपने स्टार्स या जैसे भी डेकोरेट करना है आपने। मेरी जो क्रीम है वो स्लिप हो रही है क्योंकि मैंने टाइम नहीं दिया सेट होने का इसको, लेकिन आप प्लीज़ ज़रूर टाइम दिएगा। अब मैं जो टू है इसको हटा लेती हूँ, ये देखें। अब मैं इसके ऊपर इस क्रीम को ट्रेस कर लिया, ठीक है। साइडों पे भी क्रीम से इसको डेकोरेट कर लेते हैं। प्लीज़ आप टाइम ज़रूर दीजिएगा, एटलीस्ट 1 आवर जो है आपने इसको फ्रिज में रखना है या आप फ्रीज़र में रख दें, ठीक है, ताकि जो क्रीम है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर आपने जब इसके ऊपर ये जो डूस्टी लीची जो आपने डाला है इसके बाद भी आपने अच्छी तरह से इसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखना है, ताकि जब आप इसके ऊपर क्रीम पाइप करें जैसे डेकोरेट करने के लिए तो वो गिरे नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने देख लें आप कैसे कि स्लिप हो रही है। मैंने ऊपर चॉकलेट के जो आपके जो डेयरी मिल्क या कोई भी चॉकलेट है उसके पीसेस लेके और वो हमने उससे इसको डेकोरेट कर दिया। तो जो उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी, और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दिया। उम्मीद है कि हम इसी साल में 500+ कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।